रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुरैना में शहीद स्मारक का किया लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने मुरैना में सैनिक स्कूल खोलने और सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की घोषणा की। सीएम शिवराज सिंह ने मुरैना जिला अस्पताल में 300 बिस्तरों के अस्पताल का किया भूमि पूजन। जिला चिकित्सालयों में 80 लाख रुपए की लागत की सिटी स्कैन मशीन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने मेरे दीनदयाल अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा गरीब विद्यार्थियों के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था करेगी राज्य सरकार। शासकीय विद्यालयों में रखे जाने वाले अतिथि शिक्षकों की समय अवधि 28 फरवरी को हो रही है समाप्त। नए सत्र में 1 अप्रैल से रखे जाएंगे अतिथि शिक्षक। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। टीकाकर्मियों की हड़ताल से टीकाकरण अभियान को नहीं होने दिया जाएगा प्रभावित। प्रदेश में 1600 टीकाकरण सत्रों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक सत्र की होगी निगरानी। मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को पेश किया जाएगा बजट। भाजपा सरकार के लगातार 15वें और मौजूदा कार्यकाल के अंतिम बजट में बेरोजगारी, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के लिए बड़ी चुनौती। सीएम शिवराज सिंह ने विधानसभा परिसर में कर्नाटक के पत्रकारों से की मुलाकात। राज्य सरकार के विकास कार्यों के बारे में दी जानकारी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में हुए शामिल। बैठक में परिषद द्वारा स्वीकृत की जाने वाली रिसर्च स्कॉलरशिप बढ़ाने का लिया गया निर्णय। आदिवासी लोक कला और संस्कृति के पर्व भगौरिया उत्सव की दिख रही है बड़वानी जिले में धूम। भगौरिया पर्व के दौरान 45 स्थानों पर आयोजित हुए हाट बाजार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजधानी के मानव संग्रहालय में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का किया शुभारंभ। महोत्सव में 8 राज्यों के 250 कलाकार दे रहे हैं प्रस्तुतियां। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत छतरपुर जिला मुख्यालय पर आरटीआई कार्यशाला का हुआ आयोजन। अधिकारियों को अधिनियम से संबंधित प्रावधानों तथा आवेदनों के त्वरित निराकरण के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही से कराया गया। पर्यावरण सरोकारों को लेकर इंदौर के पटेल परिवार ने सादगी से शादी कर समाज को दिया संदेश। गौशाला में बिना किसी डिस्पोजल और बिजली के उपयोग किए हुई शादी। शादी के दौरान वर वधु ने रोपे 11,111 पौधे। राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में विचार संविदा ग्रंथ का किया लोकार्पण। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान सहित वरिष्ठ नेता और पत्रकार हुए शामिल। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने राजगढ़ में अंत्योदय मेले का किया शुभारंभ। 1,87,00,000 से अधिक की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास। और भारत को जानो कार्यक्रम के तहत अप्रवासी युवाओं का दल पहुंचा मांडू। मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, इजराइल, श्रीलंका सहित अन्य देशों के 26 युवा शामिल।